नमस्कार दोस्तों, मैं आरके सोनी यूट्यूब के हिंदी के दुनिया चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के वीडियो दाखिल खारिज यानी कि मोटेशन से रिलेटेड है और आप इस वीडियो में जानेंगे कि किसी भी जमीन का मोटेशन अर्थात दाखिल खारिज कैसे किया जाता है और वो किनको कराना जरूरी है और इसके लिए क्या क्या प्रक्रियाएं हैं। टोटल स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। दोस्तों दाखिल खारिज यानी कि मोटेशन नए जमीन जो लिए हैं, जो विक्रेता के द्वारा क्रेता ने जमीन को खरीदा है तो क्रेता को अपने नाम पर उस जमीन का मोटेशन यानी कि दाखिल खारिज कराना आवश्यक होता है, नहीं तो वे जमीन पहले से जिनका है उन्हीं के नाम पर रह जाएगा। तो ये जब तक आप नहीं कराएंगे ना ही आपका उसका आपके नाम से रसीद कटेगा और ना ही आप उसका LPC यानी लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट बना सकते हैं। तो लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट और रसीद के बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे दोस्तों। तो चलिए मैं आपको आज स्टेप बाय स्टेप मोटेशन किस तरह से किया जाता है वो बताऊंगा। वीडियो को मिस मत करिएगा, सारे स्टेप को बिल्कुल सरल भाषा में आपके लिए बताया हूँ। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों ये भूमि सुधार ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे आप ऑनलाइन मोटेशन पर क्लिक करें। उसके बाद आप अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालें। यदि आपका यूजर आईडी नहीं बना हो तो न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके पहले यूजर आईडी को बना लें। तो मेरा बना हुआ है इसलिए मैं यूजर आईडी डालता हूँ और कैप्चा कोड डाल करके साइन इन पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे देखिए आपका यूजर आईडी आ गया। यहाँ पे आप अपना जिला का नाम चुनिए और जिस अंचल में जमीन है वो जमीन अंचल का नाम चुनिए। उसके बाद मोटेशन पर क्लिक करिए। दोस्तों स्टेप बाय स्टेप देखिएगा ढंग से। उसके बाद यहाँ आप जिनके नाम से केवाला हुआ है उनका नाम दर्ज करें। ये क्रेता का नाम यहाँ पर दर्ज होगा, ये आवेदक वही होंगे जो क्रेता है। चलिए मैं यहाँ पर क्रेता का नाम डाल देता हूँ। टोटल कैपिटल लेटर में भरिएगा। उसके बाद उनके पिता या पति जो भी हैं उनका नाम डाल दीजिएगा। उसके बाद उनका रिलेशनशिप जो भी है सेलेक्ट करिएगा और यहाँ पर सेल डीड पर क्लिक करिएगा। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे अपना ईमेल आईडी को फिल कर दीजिएगा। चलिए मैं फिल करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर क्रेता का मोबाइल नंबर, जो जमीन को खरीदे हैं दोस्तों वो क्रेता हुए कृपया ध्यान रखिएगा। यहाँ पर उनके जिला का नाम और यहाँ पर उनका कंप्लीट एड्रेस जो कि है वो फिल कर लीजिएगा। चलिए मैं फिल करके दिखाता हूँ आपको, पूरा कंप्लीट पता डालिएगा दोस्तों, जैसे विलेज, पोस्ट, थाना, जिला, ये सब कुछ डाल दीजिएगा, मेंशन कर दीजिएगा जो के वाला पर होगा वही। उसके बाद यहाँ पर उनका सिटी का नेम, फिर स्टेट का नेम, फिर पिन कोड और सेम है तो इधर टिक बटन पर सेम पर क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करिएगा दोस्तों। चलिए मैं करता हूँ। उसके बाद केवाला रहेगा और यहाँ पर डीड नंबर जो कि डॉक्यूमेंट के फर्स्ट पेज पर होगा दोस्तों, वो डीड नंबर डालिएगा। वहीं पे आपको डेट मिलेगा, वो डेट को डाल दीजिएगा। और उसके बाद अमाउंट को आप पहले कैलकुलेट कर लीजिएगा। वहाँ पे दो अमाउंट लिखा हुआ होगा, वो दोनों अमाउंट को डीड के फर्स्ट पेज पर वो अमाउंट होगा, उस दोनों अमाउंट को कैलकुलेट करिएगा और उसे जोड़ करके जितना आएगा उसे लिख दीजिएगा। और यहाँ पर अपना नाम चुन लीजिएगा जिस रजिस्ट्री ऑफिस से आपका हुआ है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे वही अप्लीकेशन को कॉपी कर लेते हैं, पिता का नाम को कॉपी कर लेते हैं और इसे हम
सेलर के प्रोफाइल में भर देते हैं। चलिए मैं डाल देता हूँ। उसके बाद उनका कास्ट जो भी है वो कास्ट डाल देंगे। चलिए मैं कास्ट को सेलेक्ट करता हूँ और उसे भी खो डाल देता हूँ। चलिए मुझे मिल रहा है कास्ट क्या है। तो ये मेरा कास्ट दोस्तों मैंने चुन लिया। उसके बाद पुरुष महिला जो भी हैं उस कॉलम में भर के उनका मोबाइल नंबर टाइप करें और उसके बाद एड्रेस को भी कॉपी कर लें वहाँ से दोस्तों, और एड्रेस को भी कॉपी करके वहाँ फिल करके ऐड ड्रॉप पर क्लिक करें। यदि एक से ज़्यादा खरीदार हैं तो चलिए मेरे केस में और भी खरीदार हैं तो मैं उनका भी नाम कॉपी कर लेता हूँ और उनको भी डालता हूँ। पिता का नाम या जो भी है यहाँ पे उनका जो भी जाति है डालेंगे। पुरुष मोबाइल नंबर तो वही होगा, पता भी अगर वही है तो डालें, नहीं तो चेंज करते हैं। एक और मैं ऐड करके दिखाता हूँ आपको। ये बिल्कुल आसान है दोस्तों। चलिए मैं तीसरा रो भी कंप्लीट फिल करता हूँ। उनका नाम जो भी है यहाँ पे डाल दें। आप चाहें तो सिर्फ जिनका एक ही खरीदार हो वो सिर्फ एक ही डाल करके सेव एंड नेक्स्ट पर कर सकते हैं क्लिक। लेकिन मेरे केस में तीन खरीदार हैं, तीन लोग मिलकर जमीन लिए हैं, इसलिए मैं यहाँ पे तीन लोगों का भर रहा हूँ नाम। उनका जो भी रिलेशन है सेम फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम की तरह भी इसे भी भर लें। जो भी उनका कास्ट है वो डाल लें। मोबाइल नंबर अलग है तो अलग डालें, एड्रेस अलग है तो अलग डालें, नहीं तो वही सेव करके सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर जो सेलर हैं, जो मतलब बेचने वाले हैं उनका डिटेल डालेंगे, वो भी आपके केवाले के फर्स्ट पेज पर ही मिल जाएगा। उसे आप भर लें। उनका नाम, उनके पिता का नाम, उसके बाद या पति हैं तो पति का नाम, यहाँ पे रिलेशन डाल दें, पिता हैं तो पिता, पति हैं तो पति, उसके बाद यहाँ जाति डाल दें उनका। विक्रेता का जो जाति है वो डालें, विक्रेता का जो मोबाइल नंबर है यहाँ पर वो फिल कर दें और उसके बाद यहाँ पे विक्रेता का एड्रेस डालें। अगर एक से ज़्यादा विक्रेता हैं तो ऐड ड्रॉप पर क्लिक करें, नहीं तो सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके आगे बढ़ जाएं। या फिर और भी हैं तो वहाँ पर ऐड ड्रॉप पर क्लिक करें। मेरे केस में एक ही विक्रेता है तो मैं एक ही का नाम भरता हूँ और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करता हूँ। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे अंचल डालना, पंचायत डालना है जिसका जमीन, जो जमीन जिस पंचायत में पड़ता है। उसके बाद उसका मौजा को चुने। ये सब कुछ आपको आपके के वाला पर मिल जाएगा। आराम से आप देख करके उसे डाल सकते हैं। मेरे केस में जो मेरा मौजा है वो मौजा मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आप उस जमीन का खाता नंबर यहाँ पे डालें, वो भी आपको केवाला के थर्ड पेज पर मिल जाएगा। मेरा जो भी खाता नंबर है मैं इसे चलिए फिल कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों आप प्लॉट वाले कॉलम पर जाएं और प्लॉट नंबर जो है उसका डालें। रकबा में ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पहला कॉलम आपका एकड़ का है और दूसरा कॉलम आपका डिसमिल का है। तो यदि डिसमिल में जमीन है तो एकड़ वाले को जीरो कर दें और जितना जमीन है वो लिख दें और उसके सामने चौहद्दी होगा, उस चौहद्दी को सही से फिल कर दें। स्पेलिंग मिस्टेक मत करिएगा दोस्तों, क्योंकि मोटेशन बार बार नहीं होता है, एक जमीन का मोटेशन एक बार होता है। इसलिए कृपया आराम से स्पेलिंग देख करके इस मोटेशन के फॉर्म को भरिएगा। खास करके खाता नंबर, प्लॉट नंबर, चौहद्दी, रैयत का नाम, ये सब सही से भरिएगा। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करिएगा। इसके बाद दोस्तों आपको सारे केवाले को स्कैन करके उसका एक पीडीएफ बनाना है। एक ही फाइल में 2 MB से कम में बनाना है। चलिए मैं बनाया हुआ हूँ, उसे मैं यहाँ अपलोड कर देता हूँ एंड अपलोड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करता हूँ। वो देख लीजिए 2 MB से कम फाइल है। इसके बाद सक्सेसफुल अपलोड डॉक्यूमेंट पर आ गया मैसेज, टिक करके प्रीव्यू एंड सबमिट पर क्लिक करते हैं। उसके बाद आप इसे अच्छी तरह से देख लें कि आपने जो भरा है
वो बिल्कुल सही है या नहीं, उसके बाद फाइनल सबमिट पर क्लिक करें और इसके बाद प्रिंट करके कस्टमर को उनका या आपका है तो आप उस स्लिप को रख लें। अब इसके आगे का प्रोसेस दोस्तों ध्यान से समझिएगा। दोस्तों इसके बाद क्या करना होता है कि आपको 40 दिन तक वेट करना होता है। इसका नियम है दोस्तों कि 40 दिन के अंदर आपका मोटेशन कर दिया जाएगा और जो आप स्लिप है उस स्लिप में आपको एक केस नंबर मिलेगा, उस केस नंबर से आप भूमि सुधार के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के ट्रैक कर सकते हैं कि आपने जो मोटेशन किया है वो अभी कहां पर पेंडिंग है। जैसे ही दोस्तों आप मोटेशन ऑनलाइन करते हैं और उसके बाद आप स्टेटस देखिएगा तो वो कर्मचारी के पास पेंडिंग बताएगा। यदि आप चाहते हैं कि आपका मोटेशन जल्द हो जाए तो आप अपने के वाला के फोटोकॉपी को और ऑनलाइन किए गए स्लिप को आप अपने जो भी कर्मचारी हैं उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। और नहीं तो यदि आप चाहते हैं कि आपको खुद से मोटेशन हो जाए तो इसके लिए आपको 40 दिन की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी दोस्तों, और 40 दिन के अंदर आपका मोटेशन हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और सारी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर दोस्तों हमारे ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से ही हमें हौसला मिलता है इस तरह के वीडियो बनाने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।